पर मुख्यमंत्री योगी आदित्य लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। लखनऊ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण किया। विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं।
चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालक्य चिकित्सा, कौमारभृत, अगध तंत्र, भूत विद्या, रसायन, वाजीकरण। आयुर्वेद वृक्ष की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। यह स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण दोनों के लिए व्यवस्थित और कर्मबद्ध ज्ञान भी प्रस्तुत करता है। वास्तव में यह विज्ञान मनुष्य ही नहीं अपितु प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक सभी पक्षों पर प्रभाव डालता है। महर्षि चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ में आयुर्वेद की परिभाषा देते हुए भी कहा है, जिसमें हित आयु, हित आयु सुख और दुख आयु का वर्णन हो, उस आयु के लिए हित कर व अहित कर, दृश्य गुण कर्म का भी वर्णन हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हो और सभी निरोग हो का भाव निहित है। निष्कर्ष के रूप में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति होने के साथ एक संपूर्ण जीवन पद्धति व साधना है और भगवान धन्वंतरी इसके जनक है। और अब मैं परम श्रद्धेय माने राजपाल महोदय जी व परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि प्रतिमा का अनावरण कर दीप प्रज्वलित करने की कृपा करें, साथ ही पुष्प अर्पित करने की भी कृपा करें। भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौके पर मौजूद हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया लखनऊ से। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आज धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। लखनऊ से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौके पर मौजूद हैं। लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल ने किया है, दीप प्रज्वलित किया गया है। लखनऊ से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मैं आदरणीय राजपाल महोदय जी, हम लोगों को उधर ही जाना है। मैं आदरणीय राजपाल महोदय जी व सभी विशिष्ट गणों से अनुरोध करती हूँ कि वे आयुर्वेद पर आधारित
आदरणीय राजपाल महोदय जी, वह सभी विशेष गणों से अनुरोध करती हूँ कि वे आयुर्वेद पर आधारित पांडुलिपियों व प्रमुख ग्रंथों की प्रदर्शनी का अवलोकन करने की कृपा करें। ईसा के भी 300 साल पहले का मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय एवं परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वह भारत के प्राणाचार्य आयुर्वेद तथा दुर्लभ पांडुलिपियों एवं आयुर्वेद नामक पुस्तकों का विमोचन करने की कृपा करें। नाड़ी पर ओरिजिनल सर वो अपने यहाँ है सर, प्रयागराज में सर, ये उसके मुख्य रूप से सर नाड़ी परीक्षा जी उसको सर यहाँ लाना चाहे सर, पांडुकी बिल्डिंग जर्जर हो गई है सर, उसको अब सर देखिए बाल चिकित्सा के लिए एकदम बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें जो है ये सर बहुत नहीं इसका ट्रांसलेशन हाँ हाँ है सर, अभी पुस्तक भी लाए मैडम, ये देखिए वृक्षों पर कैसे उसको रहता है, उनके भी क्या उपचार कैसे लगाना जी, बड़ा बड़ा वो जी इतनी प्राचीन अपनी वाल्मीकि रामायण में सर हनुमान नाटक वो तुलसीदास जी ने लिखा उसमें भी इसका वर्णन है जी। ये रस रत्नाकरी सब हम यहाँ किताब भी सर उस दिन आपने कहा मंगवाए हैं सर, ये संजीवनी बूटी का भी कहीं हाँ संजीवनी बूटी का है सर, हाँ बूटी का हनुमान जी लाए थे जी। उसके अलावा रसायन उसका भी उपयोग करते हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, जब अंग्रेज आए तो अपने यहाँ उस समय भी प्रज्यूम किए थे कि कुछ रोग लेके आए होंगे विशेष, तो देखिए श्रीरंग चिकित्सा पांडुलिपि उनसे रोग के बचाव के लिए अंग्रेजों से रोग के बचाव। और एक पद्धति आप लोगों से बचाव के लिए बनने के लिए। ये देखिए सर भगवत गीता में भी है सर, भगवत गीता 5000 साल होता है हाँ, उसमें भी है सर ये हनुमान बहुत मंत्रों का अपना महत्व जी सर, ये सर अवसर बड़ा मिला सर इससे कि लगाने का कि यहाँ सर और भी देखें सर, ये सर किताबें फिर मंगवा दिए थे सर, ये कहाँ से मंगाए
ये सब आप देते जी हाँ पूरा सेट देंगे पूरा सेट जी जी ये देखिए सर ये दोनों सेट में यहाँ आपके यहाँ लाइब्रेरी में मैडम ये हम लोग बोल रहे थे बन गया है धन्यवाद सरदार पटेल जी की भी अच्छी बने देते हैं और हम इसे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर देते हैं।
उस दिन जो आपने कहा था ना जैसे छोटे बच्चों के लिए भी जानकारी हो जाए सरदार पटेल के बाल्यकाल पर भी एक पांडुलिपि तैयार करवाई है वो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। प्रदर्शन वगैरह कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में चर्चा वगैरह बढ़ावा देना पड़ेगा, इससे सहज रूप में जानकारी मिल जाती है। ऐसी प्रदर्शनियों को 3D वर्चुअल भी हम बनवाने का वो कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट से भी लोग प्रदर्शन देख सकते। आइए अब हम सब आगे के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करें। अब मैं आदरणीय राज्यपाल महोदया एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से वृक्षारोपण एवं वृक्ष पूजन का करने का अनुरोध करती हूं। ओम शशि इंद्रो विधस्तर्भा शशील पुरुषा वेद स्वस्ति लतारा छोरिष्ट नयनी शशि नो बृहस्पतिर्दधात् प्रदस्तः मारतः पृथ्वी मन्त्रः सुमञ्जयमानो विधिदेयनिर्जामनवः शिरजसुविषे पहले वृक्ष लगवाओ तब जाकर के पहले जमीन की पूजा करना चाहते हैं। जमीन की तो ओम स्वस्ति इंद्रो विधस्तर्वा शशीन पुरुषा स्वस्ति लतारा चोरिष्ट नयनी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् मारतः पृथ्वी मन्त्रः शुभञ्जयमानो विधिद्रेग्निजिघामनवा शिवरजसुविषेणिर्महिदेवानां हितं जजायो। मल्लिकाणि सुगन्धानि मलत्तदीपदीप्तं पुष्पलं समर्पयामि अच्युतं चास्त्रश्रेष्ठा कुङ्कुमस्तास्पूरिता अच्युतं च समर्पयामि कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं भोजकेन्द्रहारं सदा। बोलते हैं फिलहाल के लिए इतना।